तो दोस्त, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पीएफ अकाउंट पे जो आपका यूएन नंबर होता है उस पे अगर आपके पास कोई एक अननोन कंपनी शो हो रही है, मतलब कि जो भी जो आपको पता भी नहीं है और आपने काम भी नहीं किया है उसमें, और वो कंपनी अगर आपके यूएन में शो हो रही है, तो उसको हम कैसे सॉल्व कराएंगे या उसका सलूशन क्या है, उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। तो दोस्त, मैं बता दूं कि कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी कैंडिडेट के यूएन में एक एक्स्ट्रा कंपनी दिखने लगती है, जो जहाँ पे उसने काम काम भी नहीं किया होता है। कई बार फ्रॉड के चक्कर में वो हो जाता है, जो फ्रॉडेस्ट कंपनीज होती हैं वो कई बार दूसरे का पीएफ ओपन कर देती हैं, कहीं तीसरे का पीएफ ओपन कर दिया सिर्फ इस वजह से कि आप उनको पैसे दो एंड इसके बाद वो आपका ये सारा जो मैटर है वो क्लोज़ कराएं। कई बार ऐसा हो जाता है और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो दोस्त, मैं आपको सलूशन इसका बता दूं, क्लियर सा है। या तो आप उस कंपनी से बोलो कि आपका जो पीएफ है उसको डिलीट करवाएं, किसी भी तरीके से डिलीट हो, या डेट ऑफ एग्जिट अगर आपका नहीं पड़ा तो डेट ऑफ एग्जिट आपका पड़ा होना चाहिए उस कंपनी में, उस कंपनी से डलवाओ। क्योंकि पीएफ में एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप अपने यूएन से लॉग इन करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा मार्क एग्जिट का, मार्क एग्जिट करो एंड देन एक अप्रूवल जाएगा आपके एम्प्लॉयर के पास। एम्प्लॉयर के पास अप्रूवल जो जाएगा तो उसको वो अप्रूव करना होगा, उसके बाद आपका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो जाएगा। आपको लगता है कि आपने काम नहीं किया है तो एक काम करो, उस कंपनी से एक जस्टिफिकेशन ले लो, एक डिक्लेरेशन फॉर्म ले लो उस कंपनी से एंड आप चले जाओ सीधे ईपीएफओ ऑफिस, और ईपीएफओ ऑफिस में आप वहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करो कि और बताओ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो वहाँ से हो सकता है आपके चेंजेस हो जाएं, डेट ऑफ एग्जिट में हो जाए। तो वहाँ पे कुछ फॉर्म्स होते हैं जैसे कंपोजिट फॉर्म आपको भरना होता है, आपके आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म वहाँ पे देना होगा, तो वहाँ पे हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। तो आप ईपीएफओ ऑफिस से भी जाके डेट ऑफ एग्जिट वहाँ से डलवा सकते हो, बट उस केस में डिक्लेरेशन चाहिए होगा, या मे भी हो सकता है कंपनी के पास जाए जो आपकी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे। अगर इसके बाद भी नहीं हो रहा तो जिस एम्प्लॉयर ने वो क्रिएट किया है उसके अगेंस्ट आप एक्शन भी ले सकते हो या लीगल केस भी कर सकते हो जिस एम्प्लॉयर ने वो क्रिएट किया, तो ये लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है। बट उसके पहले आप चेक कर लेना कि आपके एंड से कुछ भी मिस्टेक नहीं हुई होनी चाहिए, आपने ज्वाइन ना किया हो, वहाँ पर पता भी ना हो, कभी गए ही ना हो, तभी आप ये लास्ट वाला पॉइंट अप्लाई करना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।